मायापुरी न्यूज रील के प्रोग्राम न्यूज दिस वीक में आपका स्वागत है। मैं हूँ संजना। ये देखते हैं बॉलीवुड की टॉप 10 स्टोरीज ऑफ दिस वीक। होटलों से शैम्पू चुराती थी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण की खास दोस्त स्नेहा रामचंद्र ने दीपिका के लिए एक स्पेशल नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने दीपिका के बारे में कई ऐसी बातें बताई जिसे जानकर कोई भी हैरान रह जाए। दरअसल इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे से पहले स्नेहा ने दीपिका पादुकोण के लिए लिखा कि वो एक ऐसी इंसान है जिससे आप घंटों बात कर सकते हो। उनकी आंखों में आपको खुद के लिए दया भाव दिखाई देगा, आपके लिए फ्रीक दिखाई देगी, आपकी खुशी के लिए चोरी करेगी, मेरा मतलब जब वो ट्रैवल करेगी तो होटल से आपके पसंदीदा शैम्पू की बोतलें कलेक्ट करेगी, क्योंकि उसे पता है आप उनसे प्यार करते हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि आप मेरे साथ हो। राखी सावंत ने शादी की खबर पर लगाई मोहर। कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत ने शादी की खबरों को खारिज करने के बाद अब अपने नए बयान से एक बार फिर खलबली मचा दी है। दरअसल राखी ने शादी करने की बात को स्वीकार कर लिया है। अपने नए इंटरव्यू में राखी ने बताया कि उन्होंने शादी कर ली है। राखी ने कहा, मैं डर गई थी, हाँ मैंने शादी कर ली है, मैं अपनी शादी की बात को आपके साथ कन्फर्म कर रही हूँ। इंटरव्यू में राखी से पूछा गया कि उनकी शादी इतने अचानक कैसे हो गई। इस पर राखी ने जवाब दिया, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को सही जानकारी मिली है कि मेरे हस्बैंड NRI हैं। राखी ने आगे बताया, मेरे हस्बैंड का नाम रितेश है और वो UK में है, वो वापस जा चुके हैं। मेरा वीजा का प्रोसेस चल रहा है और मैं जल्द उन्हें UK में ज्वाइन करूंगी। अपने काम के बारे में बात करते हुए राखी ने कहा, इंडिया में मुझे जो भी काम मिलेगा मैं करूंगी। कितने बच्चे चाहती है आलिया भट्ट, बेस्ट फ्रेंड ने खोला राज। फ्रेंडशिप डे पर आलिया भट्ट ने अपनी BFF आकांक्षा रंजन के साथ एक मजेदार वीडियो शूट किया है। आलिया ने अपने YouTube चैनल पर इस वीडियो को अपलोड किया है। इस वीडियो में आकांक्षा ने आलिया के कुछ मजेदार राज खोले हैं। वीडियो में आलिया ने बताया है कि उनका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन लंदन है और वो लॉस एंजलिस में सेटल होना चाहती हैं। जब बच्चे को लेकर सवाल आया तो आलिया ने बताया कि उन्हें 2 लड़के चाहिए। इस वीडियो में आकांक्षा ने आलिया के कुछ और भी राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि आलिया झूठ नहीं बोल सकती। आलिया की इस वीडियो को फैंस पसंद कर रहे हैं। साड़ी पहनकर लड़कियों ने लगाए ठुमके, कैटरीना भी कहेगी वाओ। सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत का ऐथे आ गाना लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ था। इतना ही नहीं, इस गाने का क्रेज इतना ज्यादा युवाओं में बढ़ गया था कि कईयों ने तो इस गाने के डांस स्टेप को फॉलो करके अपने डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड तक कर दिया था। इसी क्रम में इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो काफी तेजी के साथ देखा जा रहा है, जिसमें 3 लड़कियों ने साड़ी पहनकर बिल्कुल कैटरीना के स्टेप को फॉलो करते हुए बेहतरीन डांस किया है और लोगों को इनका डांस भी काफी पसंद आ रहा है। आलिया भट्ट बनवाएंगी टैटू, रणबीर कपूर से एक खास कनेक्शन। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं। दोनों के एक दूसरे को डेट करने की चर्चा बी टाउन में छाई हुई है। अब आलिया ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में आलिया ने बताया कि अगर वो कभी भी टैटू बनवाएंगी तो 8 लिखवाएंगी। बता दें कि रणबीर कपूर की फुटबॉल जर्सी का नंबर भी 8 है। एक साल पहले आलिया भट्ट ने एक फोटो शेयर की थी जिसमें आलिया ने 8 नंबर की जर्सी पहनी थी। फोटो को आलिया ने कैप्शन दिया था, टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। सोशल मीडिया पर फिर चला अनन्या पांडे का जादू। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी लेटेस्ट तस्वीरें यहां शेयर करती रहती हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपनी कुछ और तस्वीरें इंस्टा अकाउंट पर शेयर की हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी जगह है, मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी ये महसूस करे कि हमें सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें ट्रोल किया जाएगा। अभिनेत्री ने कहा, मुझे सोशल मीडिया पर बहुत से अच्छे लोगों से जीवन में विश्वास मिला है, मैं बस इन्हीं जैसे अन्य अच्छे लोगों को सामने लाना चाहती हूं। सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा प्राइवेसी रखने की जरूरत है, इसके बाद तंग आकर वो खुद ही परेशान करना छोड़ देंगे। मिशन मंगल के पोस्टर में क्यों मिली अक्षय कुमार को ज्यादा तवज्जो। फिल्म मिशन मंगल 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म की रिलीज से पहले इसके पोस्टर ट्रेलर जारी हो चुके हैं। फिल्म के पोस्टर में अक्षय कुमार को ज्यादा हाईलाइट किया गया है। फिल्म के एक प्रमोशन के दौरान सोनाक्षी से पोस्टर पर अक्षय को ज्यादा स्पेस दिए जाने पर सवाल किया गया तो सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, हमारे लिए एक टीम वर्क है, लेकिन इन सब बातों के साथ एक बात फैक्ट है कि जो बिकता है वही दिखता है। सोनाक्षी ने कहा, अक्षय कुमार सबसे ज्यादा बिकने वाले स्टार हैं, इसलिए उनको फिल्म में ज्यादा तरजीह मिलना तो तय है। कलंक फ्लॉप होने पर भी कम नहीं हुई वरुण धवन की फीस।
वरुण धवन की इस साल आई कलंक भले ही बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, लेकिन वरुण धवन का चार्म और स्टारडम बरकरार है। खबर है कि स्ट्रीट डांसर 3D के लिए वरुण को भारी भरकम फीस मिली है। सूत्रों ने बताया, वरुण साफ तौर पर यंग जनरेशन के महंगे एक्टर्स में शामिल होने वाले स्टार हैं। स्ट्रीट डांसर 3D के लिए उन्हें 33 करोड़ फीस दी गई है। वरुण धवन की पॉपुलैरिटी और उनकी फिल्मों के सैटेलाइट बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। वरुण की फिल्में टीवी पर बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं और निर्माता भी उससे भारी फायदा उठा रहे हैं। पर्दे पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का रोल निभाएंगे अक्षय कुमार। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार देशभक्ति कंटेंट पर बेस्ड फिल्मों का मशहूर चेहरा है। खबर है कि अक्षय कुमार डायरेक्टर नीरज पांडे की अपकमिंग फिल्म में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का रोल निभाते नजर आएंगे। अजीत डोभाल पर बनने वाली इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार और नीरज पांडे साथ आ रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार अजीत डोभाल का रोल निभा सकते हैं। ये एक थ्रिलर फिल्म होगी जो कि अजीत डोभाल के करियर के अहम पहलुओं के इर्द गिर्द घूमेगी। फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो चुका है, अभी रिसर्च का काम जारी है। डिस्कवरी चैनल के प्रोग्राम मैन वर्सेस वाइल्ड में दिखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अलग अलग अंदाज से दुनिया को चौंकाते रहते हैं। आने वाले 12 अगस्त को भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जब पीएम मोदी डिस्कवरी के प्रोग्राम मैन वर्सेस वाइल्ड में आएंगे और उत्तराखंड के जंगलों का सफर करेंगे। इसका प्रसारण दुनिया के 180 देश में 5 भाषाओं में 12 चैनलों पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में न सिर्फ पर्यावरण जानवर संरक्षण से जुड़ी बातों को जानने का अवसर मिलेगा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के राज का भी पता चलेगा जब उन्होंने कुछ साल जंगलों में बिताए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के बारे में कहा कि कई साल मैं प्रकृति की छांव में जंगलों के बीच में रहा हूं, जिसका मेरी जिंदगी पर काफी गहरा असर पड़ा है। इसलिए जब मेरे से ऐसे कार्यक्रम के बारे में पूछा गया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मायापुरी न्यूज रील के प्रोग्राम न्यूज दिस वीक में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।